हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। दोस्तों आज हमारे सामने खड़ी 2023 किया सेल्टोस फेसलिफ्ट। एंड दोस्तों बात करें इस गाड़ी के बारे में, बहुत ही शानदार लगती है दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर एसयूवी कह सकते हैं दोस्तों इसको किया की तरफ से। एंड दोस्तों अगर इसके वेरियंट की बात करते हैं ना, तो दोस्तों ये है आपका एसटीई वेरिएंट, यानी बेस वेरिएंट दोस्तों आप उसे कह सकते हैं। एंड ये आपको दोस्तों पेट्रोल प्लस डीजल दोनों में देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों इसकी अगर की बात करें तो आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है बेस मॉडल में, देख लीजिए। मतलब स्मार्ट की आपको देखने को करीब करीब मिल जाए, जिसमें लॉक एंड अनलॉक का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोनों की आपकी सेम रहेंगी। सो दोस्तों गाड़ी देख लीजिए, बहुत ही शानदार लगती है। एंड अगर इसके प्राइस की बात करें एक्स शोरूम, तो दोस्तों वो है आपकी 10.90 लाख रुपये, जो कि दोस्तों किया ने अपनी इंट्रोड्यूसिंग प्राइस रखी है। एंड अगर ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो 12,60,000 रुपये की ये कंप्लीट आपको पड़ जाती है मध्य प्रदेश ग्वालियर में। एंड ये दोस्तों ऑन रोड प्राइस वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। सो फिलहाल जो मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ वो ग्वालियर मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। एंड दोस्तों आपके राज्य में क्या इसकी प्राइस है, प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दोस्तों 12,60,000 रुपये देने के बाद आपको उसमें क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं बेस मॉडल में, आज हम यही सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। सो बने रहे दोस्तों वीडियो के एंड तक। एंड अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के बारे में। फ्रंट की बात करें दोस्तों तो आपको 1800 mm की इसमें चौड़ाई देखने को मिल जाती है। एंड वहीं दोस्तों जो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं फ्रंट में, आप देख लीजिए आपको किया का लोगो मिलता है। ग्रिल की बात करें तो टोटल आपको ग्रिल चेंज देखने को मिल जाती है। एंड यहीं दोस्तों आपको कोई भी डेरल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। ये आपको मिलता है इंडिकेटर, एंड ये आपकी नॉर्मल लाइट, नीचे आपको प्रोजेक्टर में लाइट सेटअप देखने को मिल जाता है दोस्तों। एंड इसमें आपको फॉग लैंप की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती बेस मॉडल में। सो गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है फ्रंट से। एंड अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm की दोस्तों इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। साइड से दोस्तों बात करें गाड़ी, इसकी लेंथ 50 mm लगभग बढ़ा दी गई है। एंड दोस्तों देख लीजिए इसमें आपको जो व्हील बेस मिलता है करीब 2600 mm का, इसमें आपको व्हील बेस देखने को मिल जाता है। एंड फ्रंट पर जो आपको टायर साइज़ दोस्तों कंपनी ऑफर करती है वो आपको 205/65/816 का टायर साइज़ ऑफर करती है स्टील व्हील रिम के साथ। प्लस इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं व्हील कैप। एंड साइड फेंडर की बात करें तो दोस्तों आपको इसमें टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं बेस मॉडल में, मतलब आपका बिल्कुल बेस मॉडल है। एंड अगर इसके साइड मिरर की बात करते हैं तो ये आपको बॉडी कलर दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। प्लस दोस्तों ये आपको ऑटो फोल्डेबल नहीं है। एंड बेस मॉडल में दोस्तों आपको रूफ रेल्स भी देखने को नहीं मिलती, प्लस आपको सनरूफ भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड देख लीजिए कुछ स्टेप से रहेगा आपका बेस मॉडल। ब्लैक कलर की क्लडिंग दोस्तों आपको पूरी गाड़ी में देखने को मिल जाती है। पीछे वाला टायर की बात करें तो दोस्तों इसमें भी आपको अब डिस्क ब्रेक कंपनी ऑफर करती है, साथ में दोस्तों आप बेस मॉडल में भी कंपनी आपको 6 एयरबैग ऑफर करती है। सो बात करेगा इसके फ्यूल लीड की, तो यहाँ से ओपन करते हैं। एंड दोस्तों देख लीजिए ये आपका पेट्रोल वेरिएंट है। एंड ये दोस्तों आपका सपोर्ट करता है 820 पेट्रोल। एंड अगर टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 50 लीटर की दोस्तों इसमें आपको टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। वहीं बैक प्रोफाइल की बात करते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सोवर आपको इसमें बैक प्रोफाइल देखने को मिलती है एसटीई वेरिएंट में। बात करें आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ आप देख लीजिए किया का लोगो मिलता है, कनेक्टिंग आपको टेल लाइट देखने को मिलती है, बट ये वाला पार्ट आपका ग्लो नहीं करता दोस्तों बेस मॉडल में। अगर आप टॉप मॉडल लेंगे तो उसमें पार्ट आपका ग्लो करता हुआ दिखेगा रात के टाइम। ये दोस्तों आपके क्योंकि टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब के साथ, नीचे दोस्तों आपको जो लाइट हटा मिलता है वो हैलोजन बल्ब के साथ देखने को मिल जाएगा। वहीं यहाँ पर देख लीजिए सेल्टोस की बैजिंग, 4 पार्किंग सेंसर, 2 रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, प्लस 2 पार्किंग लाइट भी आपको देखने को मिल जाती है। एंड ग्लास की बात करें तो वाइपर डिफॉगर देखने को नहीं मिलते, हाई स्टॉप माउंट लाइट देखने को मिल जाती है, साथ में दोस्तों आपको मिलता है सार्फिन एंटीना। वहीं दोस्तों बात करें सेल्टोस की बैजिंग आपको देखने को मिलती है, एंड कैमरे की प्लेसमेंट आपको बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए दोस्तों इसका ओपन करते हैं बूट टेलगेट, एंड देखते हैं आपको कितने लीटर का से बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। जैसे आप टेलगेट ओपन करेंगे मैन्युअली आपका टेलगेट ओपन हो जाता है। एंड पहले दोस्तों आपको इसमें पार्सल ट्रे देखने को नहीं मिलती है। एंड आपको जो बूट स्पेस मिलता है वो 433 लीटर का सेम आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें दोस्तों देख लीजिए फ्लैट सरफेस आपको देखने को मिलता है, लाइट दोस्तों आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है। एंड अगर इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो दोस्तों जो उसमें आपका टायर साइज़ मिलता है 205/65/816 स्टील व्हील रिम के साथ गुड ईयर का, दोस्तों आपको उसमें टायर साइज़ देखने को मिल जाता है। एंड उसी के नीचे दोस्तों आपको सारे इसके टूल किट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बंद करते हैं इसको। इसके ड्राइवर साइड डोर की तो कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है आपको। एंड वहीं डोर पैनल की बात करें तो आपको जो सेम पहले आपको डोर पैनल मिलता था ब्लैक कलर का वही देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिलते हैं बेस मॉडल में, एंड चाइल्ड लॉक का दोस्तों, गेट लॉक एंड अनलॉक करने का, डोर ओपनर। एंड इसमें आपको दोस्तों स्पीकर भी नहीं मिलता, ट्विटर भी नहीं मिलता, बोटल स्पेस जरूर देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ देख लीजिए दोस्तों बेस मॉडल में दोस्तों आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों आपका पेट्रोल में मैनुअल वेरिएंट रहेगा, साथ में आपको डेड पेडल भी देखने को मिल जाएगा। इधर की साइड बात करते हैं तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप एंड हेडलाइट डैम्पर यूनिट देखने को मिलता है, इसी वेंट की प्लेसमेंट। साथ में दोस्तों ये आपको देख लीजिए टेक्सचर्ड पार्ट है, यहाँ आपको की लगाने की स्पेस देखने को मिल जाती है दोस्तों।
एंड बात करें अगर इसके इंटीरियर की तो आपको पहले की तरह दोस्तों इसमें सेम इंटीरियर देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं अगर इस गाड़ी के इंटीरियर की यानी बेस मॉडल में आपको किस टाइप का इंटीरियर देखने को मिल जाता है तो दोस्तों आपको ब्लैक कलर का पूरा इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। एंड वहीं दोस्तों अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें ना तो दोस्तों देख लीजिए आपको राउंड स्टीयरिंग व्हील मिलता है एंड इसमें आपको लेदर वर्क नहीं मिलता, बीच में आपको किया गया लोगो। लेफ्ट साइड की बात करें कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते, राइट साइड की बात करें तो आपको दोस्तों यहाँ टेलीफोनिक कंट्रोल मेरे कुछ इस टाइप के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। एंड स्टीयरिंग दोस्तों आपको सिर्फ टिल्ट देखने को मिल जाएगी। एंड सेंटर दोस्तों जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको जो ये पार्ट मिलता है ये आपको ग्लॉसी ब्लैक में, एंड इसमें आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिलता, ना ही इसमें आपको दोस्तों टच स्क्रीन देखने को मिलेगी और ना ही इसमें आपको कोई टू डिन का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलेगा। ये वाला पार्ट आपका दोस्तों काफ़ी स्मूथ है एंड ये आपके ए सी वन की प्लेसमेंट, हजार्ड का ऑप्शन दोस्तों मिलता है। बेस मॉडल में दोस्तों आपको ए सी भी देखने को मिल जाता है जो कि मैनुअल है। नीचे दोस्तों बात करें तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एंड सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, मोबाइल रखने का स्पेस। प्लस दोस्तों ये आपका रहेगा 6 स्पीड मैनुअल वेरियंट, 2 कप ग्लास होल्डर, हैंड ब्रेक एंड आर्म रेस्ट जो कि सॉफ्ट टच में ओपन करेंगे, आपके पास काफी स्पेस है। एंड सीट की बात करें तो आपको फैब्रिकेट सीट दोस्तों देखने को मिल जाती है एंड कुशनिंग दोस्तों काफी अच्छी की गई है सीट की। ये वाला पार्ट दोस्तों आपको पूरा टेक्सचर्ड पार्ट है एंड ऊपर आपका हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, देख लीजिए आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों आप किया करें इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उठाकर आपको किया सेल्टोस में लगा दिया गया है। ये दोस्तों आपके होगा लाइट्स कंट्रोल एंड दोस्तों यहाँ होगा आपके वाइपर कंट्रोल, सो कुछ यही सब कुछ आपको देखने को मिलता है। एंड अगर आपको मिरर सेट करने हैं तो इस डंडी के थ्रू आप दोस्तों मिरर सेट कर सकते हैं। एंड अगर ये वाले मिरर की बात करते हैं तो आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। बेस मॉडल में दोस्तों आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिलता है एंड साथ में आपको रीडिंग लैंप्स भी देखने को मिल जाती है। सनराइजर की बात करें क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वारंटी मिरर नहीं मिलता है। पैसेंजर साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको वारंटी मिरर देखने को जरूर मिलता है, ऊपर आपको ग्रैब हैंडल दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। सो दोस्तों यही सब कुछ आपको मिलता है इसके बेस मॉडल में देखने के लिए। आपको दोस्तों कैसा लगा इसका बेस मॉडल का इंटीरियर एंड डैशबोर्ड प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। एंड 12.5 लाख रुपये देने के बाद ये आपके लिए वर्थ है कि नहीं ये भी दोस्तों प्लीज़ कमेंट जरूर करना। पीछे वाले डोर पैनल की बात करें दोस्तों तो पूरा ब्लैक कलर का आपको उसमें डोर पैनल देखने को मिल जाता है। यहाँ आपके पावर विंडो कंट्रोल्स, डोर ओपनर एंड स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है बट स्पीकर आपको इसमें नहीं मिलता है, बोटल स्पेस आपको देखने को जरूर मिलता है। एंड इंटीरियर दोस्तों आपके सामने है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है बेस मॉडल के हिसाब से। तो दोस्तों अभी हम बैठ चुके हैं इसके पीछे वाली सीट पे एंड दोस्तों बात करें अगर यहाँ पर इसके थाई सपोर्ट की तो दोस्तों सेल्टोस का थाई सपोर्ट बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलता है। नी रूम भी दोस्तों आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। एंड बेस मॉडल में दोस्तों देख लीजिए आप कोई एसी वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिलती है, प्लस आपको 2 सीट टाइप के फास्ट चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलते हैं, मोबाइल रखने का स्पेस आपको जरूर देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों किया ने बहुत कम कॉस्ट कटिंग की है, यहाँ देख लीजिए आपको ऊपर रीडिंग लैंप्स भी देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पर आप देख लीजिए ग्रैब हैंडल वगैरह आपको सब कुछ देखने को मिलता है। एंड अगर आप एसटीके प्लस वेरियंट लेते हैं तो आपको दोस्तों पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल जाता है। सीट की बात करते हैं दोस्तों तो आपको उसमें बेंच टाइप की सीट देखने को मिल जाती है एंड इसमें आपको कोई भी आर्मरेस्ट दोस्तों देखने को नहीं मिलता है। 2 हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि आपके फिक्स हेडरेस्ट हैं। एंड अगर बात करें इसके रिक्लाइन एंगल की तो दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा आपको उसमें रिक्लाइन एंगल देखने को मिल जाता है एंड 3 बंदे दोस्तों आपके इजिली इसमें बैठ सकते हैं। पीछे आपको पार्सल ट्रे देखने को नहीं मिलती, बूट स्पेस जरूर देखने को मिल जाता है दोस्तों। सो कैसा लगा दोस्तों आपको उसका इंटीरियर प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दोस्तों सेल्टोस में बेस मॉडल में आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो कि दोस्तों कितने सीसी का है एंड कितना नीट एंड क्लीन है वो हम देखेंगे। यहाँ देख लीजिए आपको दोस्तों आपको इसमें कुछ स्टाइप का इंजन देखने को मिलता है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है जो कि दोस्तों आपका 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। एंड बोनट की बात करें दोस्तों तो आपको उसमें इंसुलेशन देखने को मिलता है पेट्रोल वेरियंट में भी, पहले ही आपको देखने को नहीं मिलता था। एंड दोस्तों इसमें जो पावर वगैरह की बात करें तो 114 BHP एंड 143 Nm का टॉर्क ये गाड़ी आपको प्रोड्यूस करके देती है। एवरेज की बात करें तो सिटी में 12-13 का एवरेज निकाल देती है, हाईवे की बात करें तो 17+ दोस्तों अगर आप अच्छी ड्राइवर हैं तो 17+ इसमें आपको एवरेज निकाल के दे देगी बड़े इजीली। एंड दोस्तों ये BS6 सेकंड फेज की गाड़ी है, अगर इसके इंजन रिफाइनमेंट की बात करें दोस्तों तो बहुत शानदार इसमें आपको इंजन रिफाइनमेंट देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों यही सब कुछ आपको मिलता है STE यानी बेस मॉडल में किया सेल्टोस के 2023 अपडेटेड मॉडल में। एंड आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जुड़े रहे हमारे साथ और नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।